मणाचार्य को ब्रेकअप आदवश्य गप उतरान कन गए सैलाब सूरत आल सर नसीर अब डिवीजन दौरान कान कोसा साहब में मणाचार्य कन गए पीपल्स पार्टी रहनुमा आई आई दमा कम मजने पैमाने मुतासरे आई यंग किशन गप उतरान कन सलाम अलैकुम कोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का एहसान है सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो कोसा साहब, हम बात कर रहे हैं चूँकि इस वक्त एक बार फिर जाफराबाद, सोबतपुर, जो दूसरे करीबी अजला हैं और शदीद मुतासर हैं, सैलाबी सूरत हाल है। तो ये जो सूरत हाल थी, ये 2010 में भी थी, 2022 में भी थी, तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं कि क्या वजह है कि हर साल जो ये इलाका सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन जो मुतल्लिका महकमे हैं, ये हुकूमत बलूचिस्तान है और क्वावे खरगोश में है? जी जी तो असल में बात यह है कि यहाँ पर दो चौथी दफा सैलाब आ रहा है, 2010 में, 12 में और 22 में और 24 में। तो ये जो है अभी सैलाबी मईशत का रुख इख्तियार कर गया है हमारे इलाके सोबतपुर में। बिल्कुल। तो जो जिसमें बेनिफिशरी हैं उसमें जो सियासतदान है, अवामी नुमाइंदे जिसको आप कहते हैं वो हैं, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, और उसके बाद एनजीओ वाले हैं। बाकी जो यहाँ पर गरीब आवाम दरबदर होती है अपने गोट से, घरों से, उनके फसलात तबाह होते हैं, बसगरों के या काश्तकार जमींदारों के, उनको कोई भी उनका मदावा या उनका कोई भी वो उनको नहीं मिलता। तो ये टोटली अभी जो चीज़ हो गई है ये सैलाबी मईशत हो गई है। और आप जब ग्राउंड में आकर देखेंगे कि ना ही जिले इंतजामिया को कोई इस बात की फिक्र है कि कहीं पर सैलाब आ रहा है, कहीं पर कोई नहर टूट रही है, ना ही कोई यहाँ के MPA को कोई परेशानी है कि मेरा कोई इलाका डूब रहा है, मेरे लोग डूब रहे हैं, और इसी तरह से फिर NGOs वालों के भी यहाँ पर मजे हैं। तो ये इसके अलावा जो अभी हम हाल ही में सोबतपुर के तकरीबन MPA ने अपने PSDP में 25 करोड़ से ज्यादा रकम दी भल सफाई के लिए नहरों की, लेकिन उसमें से ग्राउंड पर मेरे ख्याल में 1-2 करोड़ का भी काम नहीं हुआ होगा, सारे पैसे करप्शन की नजर हो गए। तो यही सूरत हाल है हमारे जिला सोबतपुर की। तो लेकिन खुशा साहब, हम ये भी देखते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो NGOs हैं, हुकूमत है, महकमा इरीगेशन है, इंतजामिया है, वो जब सैलाब आता है तो उनके लिए जो हैं वो पैसों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब 2022 में हमने देखा जब सूरत हाल थी, इलाका डूब गई, तो डोनर कॉन्फ्रेंस भी हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं कुछ लोगों हुकूमती हुकाम के साथ स्विट्ज़रलैंड भी गए। तो क्या ये जो डोनर्स आते हैं या उनको फंड मिलती है, ये सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च नहीं होते? देखें जनाब, इसमें आप ये देख रहे हैं कि दो ये हमारे सोबतपुर में चौथा सैलाब है। अभी आप जब यहाँ का विजिट करेंगे तो उस चौथे 2010 के सैलाब से लेकर आज 2024 के सैलाब तक यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर सैलाब के बचाव के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आर्जी तौर पर तो ये अभी जो PDM ने MA ने जो भेजा हुआ है राशन वगैरह, वो अभी एक एक घराना है, उसके तकरीबन 10-15-20 लोग हैं, तो उसको ये दे रहे हैं कि 20 किलो आटा और 1 किलो दाल दे रहे हैं, 2 किलो चीनी दे रहे हैं। तो आप ये सोचें कि अभी उसका एक घराना इतना बड़ा है, वो तो एक दिन का उसको राशन दे रहे हैं, बकाया वो पूरा महीना क्या खाएगा? तो ये सूरत हाल है, बराए नाम है रिलीफ यहाँ पर, और टोटली जो रिलीफ देने वाले हैं इंतजामिया है वो बुरी तरह से नाकाम है। और अभी भी जो हमारे पास सैलाबी सूरत हाल है, वो अभी भी बहुत चांसेस हैं कि हमारे और इलाके, जिले के और तहसीलें भी डूबने के चांसेस हैं, क्योंकि जो जिला इंतजामिया है वो पानी को, जो पीछे से सोर्स आ रहा है पानी का, उसको बंद करने के लिए तैयार भी नहीं है, और जो नहरें चल रही हैं उनको भी वो घटाने के लिए या बंद करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो लेकिन गुरु साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो महकमा इरीगेशन है उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो फंड भी जारी करता है, जो कैनाल की पुश्तों की मजबूती की काम होती है, उनकी मुरम्मत भी की काम होती है, तो इसके बावजूद जो है उन पर शगाब फट जाता है, क्या वजह है? जो डिपार्टमेंट्स को डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते, अभी आपको पता है डेवलपमेंट के, अभी तो अवामी नुमाइंदा ही जिला जिले का पूरे का पूरा मालिक होता है, आपको पता है बलूचिस्तान का जिस जिले का जो MP है वो मालिक होता है, वो हर तरह से अपने जिले इंतजाम में अपनी लाता है, DCO, SPO, XCN हो, हर महकमे का वो अपना अपना अपनी मर्जी का लाता है, उसे डील करके उसको लाता है। तो
उसी हिसाब से फिर वो काम भी नहीं करते, सिर्फ एमपीए का काम करते हैं। डायरेक्ट अगर महकमों को पैसे मिले तो काम भी होगा, ब्यूरोक्रेसी डरेगी भी सही, अपना एहसास जिम्मेदारी भी उठाएगी कि मुझे ये पैसे मिले करोड़ों रुपए अरबों रुपए तो मैं काम भी करूं। लेकिन यहाँ पर बीच में आ जाता है एमपीए, एमपीए को अभी अरबों रुपए मिल रहे हैं जो कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कमाने के लिए, जो उसने इलेक्शन में अभी जो जबान जदयाम है फॉर्म 47, अब उसने जो उसमें अरबों रुपए दिए वो कहाँ से निकालेगा, तो वो यहीं से निकाल रहा है। जब तक ये डायरेक्ट फंडिंग होती रहेगी इसको एमपीए को, तब तक यहाँ पर ग्राउंड पे कोई काम नहीं होगा और कोई काम हुआ भी नहीं। तो लेकिन कुछ सब जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग उसकी इत्यादि है, तो वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का है, जो मक्का में इरीगेशन के मिनिस्टर हैं सादिक उमरानी साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आप भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या मक्का में इरीगेशन या वज़ीर आला साहब या हुकूमत बलूचिस्तान या आपकी हुकूमत है वो अपनी फ़र्ज़ या अपना किरदार सही तरीके से निभा नहीं रही है? में देखे ना, मैं काफी अरसे से मैं यहाँ पे अपोजिशन में हूँ सोबतपुर जिला में, तो मैं तब से देखता आ रहा हूँ जब भी कोई सूबाई हुकूमत आती है और यहाँ के जो हमारे जिला सोबतपुर के एमपीए होते हैं वो वोट देते हैं वजीर आला को, तो वजीर आला टोटली इनके आगे बेबस होता है उसके वोट के खातिर, तो वो उनको कोई बात पुरस्त करता नहीं है, कोई उनकी फंडिंग के बारे में या कोई भी ऑफिसरों के बारे में अपनी मर्जी से कोई ऑफिसर भी वो सीएम साहब नहीं ला सकता जब तक कि एमपीए साहब वो रिकमेंड ना करें। तो ये चीज जो है ना, सियासत टोटली जिले की हाईजेक होती है इसमें एमपीए साहब के पास, तो ये बड़ा एक तकलीफदायक अमल है कि ये टोटल जिला एक ऐसे नुमाइंदे को दिया जाए जिसकी भी कोई हमारे फॉर्म 47 वाले जो आजकल फॉर्म में कहते हैं उन्होंने एमपीएस को दिया जाए और उनको इंतजामिया दी जाए अपनी पसंद के दिए जाए, तो काम किस तरह होगा? बिल्कुल ये सारा का सारा सियासी रिश्वत के हिसाब से ऊपर से नीचे से लेकर वो ऊपर वाले वजीर आला साहब बेबस हैं इनके आगे। तो लेकिन जो आप कहते हैं इस वक्त जो मौजूदा एमपी है सलीम कोसा साहब, वो पिछले हुकूमत में मिनिस्टर थी, बाप के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब नून लीग के इलेक्शन पे उन्होंने टिकट लड़ा, एक बार फिर एमपीए मुंतखब हो गए हैं और सूबाई काबीना में भी शामिल हैं, तो क्या करप्शन, अकरबा परवरी या मनपसंद लोगों को लगाना इस वजह से जो हैं वो तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि एक्सियन इरिगेशन भी उनका लगाया हुआ है, एक्सियन बीएनडीआर भी उनका लगाया हुआ है, डीएचओ भी उनका लगाया हुआ है, डीसी साहब जो भी है वो भी अपनी पसंद का लाते हैं, एसपी साहब भी वो अपनी पसंद का लाते हैं, तो जो भी फिर उसके नीचे जो भी वहाँ पर निचली लेवल पर फिर जिला लेवल पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो भी उनके मर्जी से होती है, हालांकि सिपाही तक भी जो ट्रांसफर होती हैं वो भी अपना एमपीए साहब जो जिसको रिकमेंड करें वो होते हैं, तो जब तक इदारों को ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया जाएगा तो इसी तरह से फिर ये हमारे जवाल आता जाता है हमारे इलाकों में, तो हमारे इलाकों में कोई भी ऑन द ग्राउंड कोई काम नहीं है। तो लेकिन साहब हम एक बार फिर कह रहे हैं कि जो वजीर आला साहब है तो वो जो हैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको आपको मालूम है क्योंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आप ये तमाम मसाइल उनके सामने उठा सकते हैं या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, इसके बावजूद वज़ीर आला की या जो मक्का इरीगेशन के मिनिस्टर हैं सादिक उमरानी साहब, उनकी बेबसी की वजह क्या, उतने बेबस क्यों हैं एक एमपीए के सामने या जो एक काबीना के मिनिस्टर के सामने? देखिए मैं फिर से कहूँगा कि आप हमारी बेबसी का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ, हमें जो ये हमारे जो लोग डूबे हैं, हमारे हिमायतों के गांव डूबे हैं, हमारे हिमायतों के जो घर डूबे हैं, अगर हम चाहें भी तो हम जिले इंतजामिया से उनको उनके लिए रिलीफ नहीं ले सकते, ये जो आधा मन जो आटा है वो भी हम नहीं ले सकते, हमारी बेबसी यही है। अगर मैं वजीर अला साहब को कहूँगा या सादिक साहब सादिक उमरानी साहब को बोलूँगा कि हमें अपने लोगों के लिए रिलीफ चाहिए टेंट की सूरत में या इस आटा और राशन की सूरत में, तो वो भी उससे हाथ उठा लेंगे कि हम बेबस हैं। तो इस वक्त जो सादिक उमरानी साहब हैं मक्का में इरीगेशन के मिनिस्टर हैं और इन इलाकों के दौरे पे हैं, क्या आपकी मुलाकात हुई है उन्होंने, आपने उसको इन तमाम मामलात पे आगाह किया है, आपकी बात हुई है उस पर, मुलाकात हुई है? नहीं, मैंने सुना है कि सादिक साहब आए हुए हैं जाफराबाद आए हुए हैं, अभी तक सोबतपुर नहीं आए,
हम भी इस वक्त सोबतपुर हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, अगर आ गए तो मुलाकात होगी। सूरत हाल से तो बिल्कुल आगाह करेंगे, लेकिन मैंने वही जो आपको बताया कि बेबसी वो हजारों फीसद है, 100% नहीं हजारों फीसद है। सादिक साहब भी हमारे बड़े लीडर हैं, लेकिन वो भी हुकूमती मामलात में बेबस हैं। हमारे CM साहब भी, अगर उनको हम कहेंगे कि हमारा इलाका डूबा हुआ है, हमारे लोग डूबे, हमें राशन चाहिए, हमें टेंट चाहिए लोगों के लिए, वो भी यही कहेंगे कि मैं सलीम साहब के आगे बेबस हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर दौरान खान कोसा साहब टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारू का ब्रेक का पद अन चुके माँ पेश के पुत्रान का नगायत नहीं तो अभी मामला सरा चर्चे पद माँ यकरन दे पदामी सूरत आल सरा का पुत्रान को चुके ए वदा नसीरा बट डिवीजन के हस्ते आसे लाबी सूरत आल ज़्यादा आए तो इसे बुनियादी वजह के हस्ते आ मकमा इरीगेशन करप्शन हुकूमत नियम का इकदाम नबू अगे सब बन चुके कोसा साहब कुशगा के एक बदा सोबत पूरे MPA मिनिस्टर के हस्ते आइए देमा मकमा इरीगेशन मिनिस्टर और वजीर आला साहब के हस्ते बेबस हैं तो एदा मनपसंद XCN मनपसंद ऑफिसर्स के हस्ता हैं डिप्टी कमिश्नर MPA कुशगे पदा तैनात कनक बुद्धगा चर्शी सब्बा बेतहाशा करप्शन बोगा परमेश्वर सोबतपुर के हस्ते वा सैला भी सूरत आले सूरत आलिया को जगाएँ उदो भी नहीं मगिंदे के मक्का में PDA में कहते हैं रिपोर्ट जारी कम बोले मैं कोशिश करें कई मौकफा बुजुर्ग के मक्का में PDA में कहते हैं चेक अनगाएँ आया आ हमें करप्शन आवा रही है सूबाई हुकूमत देवा या MPA देवा बेबस हैं तो चूँकि आइए वती मौकफ नजर आता मैं कोशिश करता कि सादिक उमराली साहब कहते हैं आइए सवाल भी करें कि आया अच्छी वजह के हर साल कहते हैं मक्का में इरीगेशन कूता ये सब भाई दमक कहते हैं एक सैला भी सूरत आलिया वजह वजह फंडे कमी है करप्शन ये देखे वजूहत हैं चूँकि आ हई अगुओं में राबता नबुदा वो हमें दाँका मराक्षा दो पास लास्ट को तो नलता वालों चल रहा भी दे अल्लाह बाउट है।